नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, सबसे पहले तमाम लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जिस तरह से 8 दिन पहले जो है सबसे पहले व्रत रखे जाते हैं, और आज नौवें दिन जो है रामनवमी का त्यौहार जो है बड़ा जोश खरोश के साथ मनाया जाता है, तो उसी सिलसिले में इस वक्त हम आपको जम्मू से लाइव विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे तमाम लोगों ने जो पहले नवरात्रे से जो अपने घर में साख रखते हैं, आज उसको यहाँ पे सर्जित करने के लिए यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं पहुँचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त की आपको जो है हम जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू धर्म में सबसे पहले जो है नवरात्रास में 8 व्रत रखे जाते हैं, और नौवें नवरात्रे में जो है जाने कि रामनवमी के नाम से उसको कहा जाता है, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखाने की, रामनवमी का त्यौहार जो है बड़ा जोश खरोश के साथ मनाया जाता है, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो भी साख रखी थी उसको यहाँ पे सर्जित करने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। काफ़ी रश यहाँ पे है। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त की जम्मू से दिखा रहे हैं। यहाँ पे रामनवमी का त्यौहार बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। पूरे मुल्क भर में ये नवरात्रा जो हैं बड़े जोश खरोश के साथ मनाए जाते हैं। सबसे पहले आठ दिन जो हो व्रत रखा जाता है, और उसके बाद नौवें नवरात्रे में जाने की रामनवमी जो साख अंदर रखी होती है उसको सर्जित किया जाता है। उसी को लेकर आए तमाम जिन लोगों ने नवरात्रास रखे थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और अपने अपने साख जो है वो यहाँ पे सर्जित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव विजुअल में कि किस तरह से लोग यहाँ पे जिन लोगों ने व्रत रखे हुए थे अपने साख को किस तरह से यहाँ पे विसर्जित कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। काफी ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। रुक कौन है वही, तो आपको पीछे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं साख को विसर्जित करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पूरे यहाँ के विजुअल दिखाएंगे। ये लाइव विजुअल इस वक्त के हम आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश करें। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त के रामनवमी के मौके पर जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरह से लोग अपने अपने जो साख घरों में रखी हुई थी उसको किस तरह से विसर्जित कर रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, बड़ी खुशी से अपनी जो साख रखी हुई थी उसको विसर्जित कर रहे हैं। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये रामनवमी आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए, आपकी हर एक मनोकामनाएँ जो है वो पूरी करे। और ये कल लोड हो रही है।
किस तरह से ये लोग यहाँ पे अपने अपने साख जो है उसको विसर्जित यहाँ पे कर रहे हैं वो हम आपको लगातार अपने चैनल के ज़रिए से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके हवाले से बताओगे साख के हवाले से आप बता। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे अपने अपने साख जिन लोगों ने नवरात्रास रखे थे उसी में इस साग को जो है पहले नवरात्रि में रखा जाता है, वो लोग यहाँ पे साग विसर्जित करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी सर, सबसे पहले तो आपको रामनवमी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जी आपको भी सर। जी सर, क्या कहेंगे आज रामनवमी के मौके पर जाने की, क्या कहेंगे लोगों को? सर हम लोगों को यही कहेंगे कि मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखिए और अपने रामनवमी के दिन जो है हमने घर पर साख लगाई होती है इसे भी परवाने के लिए आइए, लेकिन अपना मास्क लगा के रखें। तो आपने भी नवरात्रास रखे थे? हाँ जी जी। तो आज मतलब इसके बारे में थोड़ा बताएं लोगों को अगर आपको जानकारी हो, ताकि जिन लोगों को नहीं हो उसके उन तक ये जानकारी पहुंचे। जी नवरात्रों में हम ये 9 दिन घर पे लगाते हैं साख और साख की पूजा करते हैं और 9वें दिन जब रामनवमी का दिन होता है तो हम कंजके जो माता का रूप होते हैं उनको पूज के उसके बाद माता को जिन साख को जिन्हें हम माता समझ के पूजा करते हैं इनको हम यहाँ तवी में उनको विसर्जित करने आते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये रामनवमी जो है आपकी हर एक मनोकामना पूरी करे और जो भी आपकी दुआएं हो हर एक मनोकामना आपकी पूरी हो। तो फिलहाल के लिए तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो साख है जो पहले नवरात्र में रखी जाती है, उसके बाद 9 दिन लगातार इसकी पूजा जो की जाती है, उसके बाद यहाँ पर इसको विसर्जित किया जाता है और वहीं 9वें नवरात्र के दिन जो है कंचके भी जो है वो पूजी जाती हैं, वो इनको लेकर इन्होंने जो है हमारे साथ तफसील से बातचीत की है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करें। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। नरेंद्र सिंह ठाकुर।